तो वेलकम बैक। चलिए फिर से 9th क्लास का जो एग्जाम हुआ विद्यार्थी, अभी अभी उसका हम लोग आंसर की मिला लेते हैं, क्या क्या उसका आंसर है, कैसे कैसे था से, ठीक है। तो ताकि आप अपने मार्क्स को श्योर कर पाए विद्यार्थी, चैनल पर नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब विद्यार्थी। चलिए तो पहला कैंसर कह रहा है कि टी को कहाँ से लाया गया, तो डच से लाया गया, पहला कैंसर दूसर का, तो ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, यह दूसर का कैंसर होगा विद्यार्थी, क्या चाहिए टी का दूसर का नाम पूछा, तो चेयर होता है दूसरा नाम। चलिए विद्यार्थी तीसर का पर मारते नजर, क्या कहता है तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कह रहा है कि बहुत प्रकार के आज टी अवेलेबल कहाँ है, तो मार्केट में विद्यार्थी। चलिए उसके बाद विद्यार्थी हमारा हाँ, तो चौथा की बात करें विद्यार्थी, तो चौथा कह रहा है कि चाय जो है विद्यार्थी कहाँ पर पॉपुलर है, कहाँ पर ना, टी इज़ पॉपुलर इन चाइनीज, तो कौन सा टी जो है से चाइना में प्रसिद्ध है विद्यार्थी, ठीक है। तो आपको मालूम होगा ग्रीन टी, क्या है ग्रीन टी, मतलब चौथा होगा, चौथा का चौथा ही आंसर होगा विद्यार्थी। अब पाँचवा का कह रहा है कि एक पैसेज में से एक ज्वाई का मतलब जो है, ज्वाई है, ज्वाई का मतलब एक आपको सिनोनिम्स पाना है, तो ज्वाई का मतलब होता है चीयर, क्या होता है चीयर, मतलब पाँचवा का दूसरा का आंसर होगा विद्यार्थी, ठीक है ना। आंसर देखेंगे विद्यार्थी छठा का क्या आंसर कर रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। छठा का आंसर कर रहा है कि कौन से फैमिली में सोयाबीन जो होता है, ठीक है, सोयाबीन किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सोयाबीन जो है तो लिंगम फैमिली से आता है विद्यार्थी। चलिए उसके बाद सातवा पर मारते नजर, क्या कहता है, कह रहा कि कौन सा सोयाबीन में अवेलेबल नहीं होता है विद्यार्थी, कौन सा नहीं होता है, नहीं तो सोयाबीन में जो होता है सब के सब अवेलेबल होता है विद्यार्थी। तो हाँ, सोयाबीन में हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है विद्यार्थी वो क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोटीन विटामिन सब होता है लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता विद्यार्थी। तो ये हो गया सातवां के, कौन सा हो गया, तो आठवां के, हाँ आठवां का आंसर देख लीजिए विद्यार्थी, सोयाबीन कैन लोअर, सोयाबीन में सबसे कम क्या होता है, तो एल डी एल होता है, मतलब दूसरा का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। तो चलिए अब उसके बाद फिर कह रहा है कि नवा का देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक, कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जिक होता है, ठीक है। नवा का सोयाबीन से एलर्जिक होता है, मतलब किस टाइप के सोयाबीन से, तो सोया मिल्क से क्या होता है एनर्जी होता है विद्यार्थी, मतलब नवा का पहला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए विद्यार्थी अब मारते नजर किस पर, दसवां पर, दसवां पर देखिए विद्यार्थी क्या, दसवां में ना, दसवां में कहता है विद्यार्थी कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज, मैंने कम करना, मिनिमाइज का मतलब कम करना, तो कम करना के मिनिमाइज होता है, और साथ में आपको मालूम है रिड्यूस भी होता है, मतलब दसवां का तीसरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थी मारते हैं कि ग्यारह का अगर आंसर होगा तो दूसरा होगा विद्यार्थी, ग्यारह का दूसर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी विद्यार्थी कौन हो जाएगा, बारह का पहला आंसर हो जाएगा, बारह का पहला हो गया। तेरह का देखेगा विद्यार्थी, तेरह का, तो तेरह का आपका जो होगा विद्यार्थी बारह, हाँ तेरह का होता है, आप पढ़ के देखेंगे गॉड हेल्प्स हु, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प हिमसेल्फ, था ना, तो इसी पर आपका हु वाला हो जाएगा। चौदह का विद्यार्थी बात करें तो वी के साथ आर लगता है, आर हो जाएगा। चलिए पांचवा की अगर सॉरी पंद्रह की बात करें विद्यार्थी, तो पंद्रह का क्या हो जाता है, चलिए पंद्रह का होगा गिफ्ट्स, तुम्हारी सक्सेस हम लोगों को प्रेरणा देती है, तो गिफ्ट्स हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए उसके बाद विद्यार्थी सोलह पर मारते नजर, सोलह में कहता है कि सोलह यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि द दे आर सिंगिंग, कौन सा है, कौन सा टेंस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है विद्यार्थी, कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है विद्यार्थी, है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर कौन सा, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है, सोलह का दूसरा का ना। चलिए विद्यार्थी सत्रह पर भी मार, सत्रह के आंसर कह रहा है कि द सन है राइजेज होता है, काम है राइजेज होता है ईस्ट में, एमएलए है विद्यार्थी, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो एन होगा, मतलब सत्रह के दो और अठारह के वन हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए उन्नीस का आंसर मार लेते हैं विद्यार्थी, उन्नीस का, तो उन्नीस का हो जाएगा मैनी स्टूडेंट्स, मतलब पहला हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो बीस का आंसर देख लीजिएगा यहीं पर, अब बीस का पढ़ा के भेजे थे विद्यार्थी, टू रहेगा तो आउट भरा जाएगा, ठीक है ना, तो मस्ट भरा था, टू नहीं होता तो, ठीक है। लीजिए विद्यार्थी, तो आपको पढ़ा के भेजे थे, कभी भी लिस्ट आपको दिखाई देगा, जो ओ एस था, ओ एस बोले तो ओरिजिनल सामान, ठीक है, तो इसके साथ सूड हमेशा होता है। चलिए विद्यार्थी उसके बाद कर रहा है बाईस का देखिएगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, सीज कराएंगे वह क्यों चिल्ला रही, तो ये आपका बाईस का चार हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए अब तेईस का देखिएगा, तेईस का, तो बुक इज, तो मेरा जो बुक कहा विद्यार्थी बैग में है, मेरे बैग में। चलिए अब उसके बाद कर रहा है विद्यार्थी आपका चौबीस में कर रहा है, तो चौबीस का कर रहा है कि पेसिबल आई एट एन एम एप्पल, तो एन एप्पल वाज इटन बाय मी होगा, तो सिंपल बात है, तो लॉलीपॉप दूध भाई, दूध भात है बाबू, ठीक है। चलिए पच्चीस का देख लीजिए आंसर मिला लीजिए विद्यार्थी, पच्चीस का क्या कर रहा है कि सी सेड टू मी, तो होगा सी सेड टू मी, है ना, सी से टू में दैट आई बदलेंगे सी से सी वाइज पर, नहीं पहला ही आंसर होगा विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 26 का देख लीजिए आंसर, 26 का क्या कह रहा है कि हुआ आज केजिया स्नाइबर, केजिया का पड़ोसी कौन था, तो मैगड कौन सा था, मैकडोनल्ड था, ठीक है, जो कि अपने बेटियों को घुमाया करता था। चलिए उसके बाद 27 का देखिएगा, संतोष यादव कहाँ से था, तो आपको मालूम संतोष यादव उत्तर प्रदेश से था ना, जिसका आपको बताया था गांव का नाम क्या था, कालीकुड़ा ना, ठीक है। चलिए बिस्मिल्ला खान जो था वो कहाँ से अटैच था, तो गंगा से अटैच था। चलिए 29 का देख लीजिए कि ब्रोनो क्या खाया था, ब्रोनो जो था से कौन सी, बेरियम कार्बोनेट खाया था विद्यार्थी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 29 देखिएगा, 30 एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ, तो रामेश्वरम में हुआ था विद्यार्थी, ठीक है। चलिए रट रट आगे देख लीजिएगा, मार्गिस जो था, मार्गी का हिस्ट्री सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू द क्विक, ठीक है, तो हिस्ट्री हो जाएगा विद्यार्थी, इसका क्या हो जाएगा, इसका हिस्ट्री ना। चलिए उसके बाद विद्यार्थी पेज ऑफ बुक को फाड़ दिया था विद्यार्थी, 32 हो गया हमारा, 32 के बाद 33 देखिएगा, कह रहा है कि
33 में कह रहा है कि जब वर्षा हो रही थी तो कवि के दिमाग में कौन, तो उसकी माँ याद आ रही थी। 33 का हो गया। 34 का देखिए विद्यार्थी क्या कह रहा है कि ऑन किलिंग जो है, ऑन किलिंग अ ट्री क्यों लिखा है, तो ये लिखा पटेल साहब लिखे, बोला बताए थे विद्यार्थी आपको, ठीक है। फ्रोस्ट विश टू, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो कहा था विद्यार्थी उसकी क्या इच्छा थी, तो आपको मालूम है उसका इच्छा क्या था विद्यार्थी, आपको बताया गया था पूरा बात, ठीक है। देख लीजिए उसकी इच्छा जो क्या थी, ट्रेवल ऑन बोथ, दोनों उसका इच्छा था कि हम दोनों पर क्या करते, यात्रा करते ना। चलिए 35 में कह रहा कि प्रशांत का विलेज का क्या नाम था, अभी तुरंत पीछे बताया था कालीकुड़ा नाम था विद्यार्थी। अब 37 का देख लीजिए क्या कह रहा कि जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी कहाँ से, तो निमोनिया से पीड़ित थे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए 37 भी हो गया, यहाँ खो गया था तो मेले में खो गया था विद्यार्थी। 38 हो गया हमारा। चलिए 39 देखिएगा, ये कौन था, लुस्क है ना, लुस्क ऑफ कौन था विद्यार्थी, तो एक बेगर भिखारी था, गरीब आदमी था, ठीक है ना। चलिए ग्रैंडफादर ने टोटो को किसे खरीदा था, तो एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था विद्यार्थी, आपको मालूम है, मतलब आपका आंसर कौन होगा, दूसरा का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के हम लोगों ने कहा कि इंग्लिश का पूरा मार लिया। और साइंस और मैथ का विद्यार्थी हमारे साथ लाइव 7:30 में लाइव चलेगा विद्यार्थी, जुड़िए और आप लोग भली भांति विद्यार्थी उसका आनंद उठाइए, ठीक है ना। एकदम जितना बताया था एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन था विद्यार्थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, ठीक है।